ये आप अंदर की हालत देख करके, इसकी दुर्दशा देख करके ही पता चल रहा है कि क्या हालात हैं और ये बिल्डिंग किस स्थिति में है। ये है हमारे स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर हालत, जिसमें शायद ये इस समय चालू कंट्रियों में ये जो भवन दिख रहा है, ये मझगावा शंकरपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र है और इसकी दुर्दशा आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या हालत है। और हालांकि अभी आपको यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ और घास फूस नहीं दिखाई दे रहा, उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे मीडिया कर्मी ने जब इस बात की जानकारी दी तो उन लोगों ने आनन फानन में यहाँ पे सफाई तो करवा दी, लेकिन फर्श की स्थिति देख सकते हैं। और ये सामने देखिए लिखा हुआ है लेबर रूम, और लेबर रूम के सामने की दशा देख करके ही पता चल सकता है कि कभी जिंदगी में ये है क्लिनिक कक्ष, और इसकी भी दशा देख लीजिए। और क्लिनिक कक्ष के अंदर की ये दशा है कि इसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे लगता है कि वर्षों से इसमें झाड़ू नहीं लगा है। और इस दरवाजे की दशा देख लीजिए क्या दुर्दशा है, फर्श धस चुकी है। हैंडपंप की यह हालत है और यहाँ पर काफी जनता भी इकट्ठी हो चुकी है जो इसके बारे में जानकारी देगी। स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र मझगावा शंकरपुर ब्लॉक। अब ऐसे में सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, जबकि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंतित है, लगातार प्रयास में रहती है कि हर आदमी को बीमारी के समय में उचित लोगों को इलाज मिल सके। ये कभी नहीं चालू हुआ है, कभी चालू जब से बना है तब से कभी नहीं चालू हुआ। हम लोग बहुत परेशान है जी। यहाँ पर आदमी बीमारी होता था रामपुर भागे पर कोई साधन नहीं हमारे पास, न गांव कोई साधन है, अब कोई डॉक्टर आए नहीं रहा है यहाँ पर, न कोई कंप्यूटर आ रहा है। डिलीवरी केस हुआ था हम लोग रामपुर लेकर भागे थे, एम्बुलेंस को फोन करी, एम्बुलेंस पता लगा कौन बिगड़ा है तो हम लोग का करे, घर में डिलीवरी करवाई थी, यहाँ कोई नर्स नहीं आ रही। शिकायत अस्पताल में इसकी शिकायत कभी शिकायत बहुत हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है हमारे। हम बहुत बार शिकायत गांव भर मिलके किए। एम्बुलेंस कितनी देर में आती है यहाँ पे? एम्बुलेंस जो आते हैं तो मतलब 15-20 मिनट में आती है, आधा घंटा लग जाता है। कोई संबंधित अधिकारी से शिकायत आप लोगों ने की तो कभी कोई जांच के लिए? कभी तब से लेकर आज तक कभी डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं आया। 2007 से बना हुआ है तब से कोई डॉक्टर ना आया है, न यहाँ पर कोई नहीं आया, न एक टिकिया गोली के किसी बच्चे पाई नहीं आया। जो स्वास्थ्य केंद्र बना है इसका लाभ उठा सके गांव के लोग। और इसकी स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है। हाँ, इसकी स्थिति खराब है, देखो सब जो है बालू से जुड़ी हुई है, सब टूट गया है, इसमें जो है गड्ढा हुए है, कोई आता नहीं। और शिकायत हम लोग जो है कई बार किया है रामपुर तक, कोई डॉक्टर नहीं सुनता, ना यहाँ पर कोई जांच करने आया। किसी की तबीयत जहाँ खराब होती है तो